हर जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट यानी कि विविध का, और आज विविध में आप जानते हैं मैं क्या कराने वाली हूँ। कुछ बहुत ही अनोखा, कुछ बहुत ही स्पेशल, क्योंकि क्या है ना कि मैं रोज की जिंदगी से तंग आ गई हूँ और मैंने सोचा कि भाई मेरे जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से दर्शक है, नन्हे मुन्ने क्यों, बड़े बड़े अच्छे खासे जो दर्शक है वो बोर हो चुके होंगे अपनी जिंदगी से थोड़ा, इसलिए मैं उनको इस वीकेंड पे रायचक घुमाऊं। तो चलिए मैं ले चलती हूँ आप सभी को रायचक, जहाँ पे वहां जिंदगी ने हेलीकॉप्टर से शूट की, और रायचक घूमते घूमते हम सोनार टोली के अद्भुत खाने का मजा भी उठाएंगे, आनंद उठाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी से थक हार कर हर व्यक्ति एक ऐसी जगह ढूंढता है जो शहर की भागदौड़ से दूर हो, जहां शांति और ठहराव हो। आज से 20 साल पहले एक ऐसी जगह जिसका कोई वजूद नहीं था, आज बन गई है बंगाल की एक ऐसी रमणीक धरोहर, जहां लोग दूर दूर से अपनी रोजमर्रा की परेशानियों को छोड़कर परिवार के साथ आनंद के कुछ पल व्यतीत करने आते हैं। और इस खूबसूरत धरोहर का नाम है रायचक। और बंगाल को यह धरोहर देने के पीछे हाथ है एक ऐसी शख्सियत का जो अपनी हर निर्माण में एक छाप छोड़ जाते हैं, और वो है अंबुजा रियल्टी के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया। हर्षवर्धन जी की पत्नी मधु नियोटिया ने भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर साथ दिया, और दोनों ने मिलकर रायचक को दिया एक नया मुकाम। रायचक आज आधुनिक और प्राचीन आर्किटेक्ट का मेल है, जहां एक तरफ प्राचीन फोर्ट को दर्शाते हुए बनाया गया है लक्जरी होटल द फोर्ट रायचक, वहीं दूसरी तरफ आधुनिकता को ध्यान रखते हुए बनाया गया है रिवर साइड प्राइवेट कंट्री होम्स गंगा कुटीर। और इन्हीं के बीच में कुछ ही दिन पहले खोला गया बंगाली पाक शैली को ध्यान में रखते हुए एक बंगाली रेस्टोरेंट सोनार तोरी। सोनार तोरी अपने में ही एक अनोखा स्थान है। यहाँ कदम रखते ही ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी रही जमींदार की कोठी में आ गए हों। सोनार तोरी को बनाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि प्रकृति को कोई हानि ना हो। इसके चारों तरफ फैली हरियाली, एक तरफ पोखर तो दूसरी तरफ गंगा का बहता पानी, इसे एक मनमोहित छटा प्राप्त कराते हैं। ये तो एक नेचुरल परिवेश हम लोग को मिला। ये तो ईश्वर का धरोहर है। ये पुराने गाछ थे यहाँ पर, ये बीच में एक वाटर बॉडी पुकुर, तो उसको बचाते हुए हम लोगों ने सोचा कि किस तरीके से कुछ छोटे, एक छोटा जो ग्राम हो सकता है किंतु उसको एक मॉडर्न इंटरप्रिटेशन में उस तरह से हम लोग बना सके। सोनार तोरी को सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं कहा जा सकता, यह एक ट्रिब्यूट है सफल प्राचीन सभ्यता को। इस रेस्टोरेंट के इंटीरियर डिजाइन में जो बात सबसे महत्वपूर्ण उभर के आई वह है उन सामानों का सजावट के तौर पर उपयोग करना जिन्हें आज से करीब 50 साल पूर्व उपयोगहीन समझ लिया गया था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें और पेंटिंग्स इस जगह को एक अनोखी छटा प्राप्त कराती है। मिस्टर नियोटिया ने मुझे बोला कि ये मैं बंगाली रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ और एक जमींदार घराना भी दिखाना चाहते हैं, तो मेरे लिए थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि ये पूरा रूरल बंगाल का एक पार्ट है और इनसाइड अगर हम लोगों को जमींदारी दिखाना
पड़ेगा, तो बहुत टफ होता था। तो मैंने सोचा कि अगर एक जमींदार जब एक कहीं पर जाता है तो पहले से थोड़ा इन्फॉर्म कर देता है कि उस विलेज में हम लोग को टेंट लगाना है कुछ, तो आप थोड़ा सजा दीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट वहाँ से मैंने शुरू किए हैं। और मैं यहाँ पर एक बंगाली जो कल्चर है, तो ये मैंने टिपिकल बंगाल प्रेजेंट नहीं करना चाहा, मैं चाहा कि बंगाल के नए तरीके कैसे दिखाए। और बंगाल का जो कल्चर है इट्सेल्फ तो उनका है ही, उसके साथ वो बहुत दूसरे कल्चर के साथ अडॉप्ट होता है, तो बहुत नयापन है इसमें। सोनार तोरी के रेस्टोरेंट में बैठने की जो व्यवस्था की गई है और जो सजावट की गई है वह ये एहसास कराता है जैसे किसी प्राचीन जमाने के रईस के भोजनशाला में बैठकर बंगाल के लोग खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। और सोनार तोरी के खाने का स्वाद भी मुंह में एक कौर जाते ही यह एहसास दिलाता है कि प्राकृतिक छटाओं के बीच निर्मल और स्वच्छ वातावरण में शुद्ध भोजन का हम लुत्फ उठा रहे हैं। I used to sort of look at this pond which was being used by a few of the villagers and so on, and I never expected Harsh would ask me to design this here. So when he did buy this eventually and design the and asked to design a restaurant here, it was a great privilege really to be able to do something in the Bengali landscape. वाकई अंबुजा रियल्टी के चेयरमैन हर्षवर्धन नियोटिया ने जहां पूर्व में कॉन्क्लेव, सिटी सेंटर, स्वभूमि, फोर्ट रायचक जैसे अद्भुत निर्माण बंगाल को देकर अपनी कल्पनाशीलता का परिचय दिया है, वहीं प्राचीन और आधुनिक सुविधाओं से लेस सोनार तोरी जैसे रेस्टोरेंट का निर्माण कर लाखों लोगों की जिंदगी को वह जिंदगी बनाने में एक और नया कदम उठाया है। मैं ये जरूर कहूँगा कि कोशिश करता हूँ, थोड़ा बहुत चीज़ अच्छे से बन गया है, ईश्वर की कृपा रही है, लोगों का सपोर्ट रहा है, कुछ लोगों को पसंद भी आया है, तो इस तरह से आशीर्वाद सबका मिलता रहे तो कुछ कुछ करते रहेंगे। रायचक आकर वाकई मन को शांति और सुकून की प्राप्ति होती है और जिंदगी बन जाती है वह जिंदगी। दोस्तों वक्त हो चला है आप